नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दो जाने माने सितारे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं दी है। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर और बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार सर की। अब हम 2020 की कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम दोनों सुपरस्टार की हिट फिल्में फ्लॉप फिल्म के बारे में बात करेंगे। वैसे तो दोनों सुपरस्टार ने बहुत सारी हिट फिल्में दी है। तो सबसे पहले अजय देवगन सर ने 100 करोड़ की क्लब में 11 फिल्में शामिल है, वही अक्षय कुमार सर की 14 फिल्में शामिल है। और हम बात करेंगे 200 करोड़ क्लब में शामिल फिल्म के बारे में। तो 200 करोड़ क्लब में अजय देवगन सर की 2 फिल्में शामिल है, जहां अक्षय कुमार सर की 3 फिल्में शामिल है। अजय देवगन सर की 200 करोड़ की क्लब में शामिल 2 फिल्म में एक फिल्म है गोलमाल 4 और दूसरी फिल्म है तानाजी, जो हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। और अक्षय कुमार सर की 200 करोड़ क्लब में शामिल 3 फिल्म है, जिसमें मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़, जो हाल ही में रिलीज़ हो चुकी है। वैसे तो दोनों सुपरस्टार ने बहुत कम फ्लॉप फिल्में दी है, जिसमें अजय देवगन सर की बादशाह हो और अक्षय कुमार सर की सिंह इज ब्लिंग है। और दोनों की 2019 में रिलीज़ हुई फिल्म में अजय देवगन की दे दे प्यार दे और टोटल धमाल, जो दोनों ही सुपरहिट साबित हुई है। और अक्षय कुमार सर की 4 फिल्में रिलीज़ हुई है, जो केसरी, हाउसफुल 4, मिशन मंगल, गुड न्यूज़, और चारों फिल्में बॉलीवुड में हिट हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे 2020 में आने वाली फिल्मों के बारे में। तो अजय देवगन सर की टोटल 4 फिल्म आने वाली है, जिसमें एक है तानाजी, फिर मैदान, RRR और भुज, जो कि हम जानते हैं कि RRR ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, इसलिए 2020 में अब अजय देवगन सर की टोटल 3 फिल्में आने वाली है। अब हम अक्षय कुमार सर की 2020 में आने वाली फिल्म के बारे में बात करेंगे। तो अक्षय कुमार सर की भी टोटल 4 फिल्में आने वाली है, और वो है सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, पृथ्वीराज चौहान और बच्चन पांडे। पर बच्चन पांडे भी अब पोस्टपोन हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।